गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस लाइन में ए से ई तक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी डी ई तक ये तीन लाइन को भरना है। तो सबसे पहले आप ये जो डॉट में लिखा हुआ है उसको उसमें रिपीट कीजिए, फिर नया से लिखिए, उसके बाद एक साथ बिना हाथ उठाए ए बी सी डी ई को लिखना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग रिपीट करते हैं, तो आपको बार बार लाइनें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख चुके हैं। अब ध्यान से देखिए और धीरे से पेंसिल चलाते हुए लाइनों को कवर करते हुए सारे लेटर को लिखेंगे। देखिए हम नया से लिखेंगे। देखिए लाइन को हमेशा काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और हमेशा थर्ड लाइन से ही सारे लेटर्स शुरू होते हैं। देखिए ए हम लिखते हैं तो ये थर्ड लाइन से शुरू होता है, फर्स्ट लाइन को टच करता है, फिर फर्स्ट लाइन से नीचे थर्ड लाइन की ओर आता है, फिर इस थर्ड लाइन से कर्व बनाते हुए सेकेंड लाइन को छूते हुए फिर यह यहाँ पे कंप्लीट होता है ए, फिर वहीं पे हम स्मॉल ए बी लिखते हैं। अब बी भी फर्स्ट लाइन को छूते हुए थर्ड लाइन को टच करेगा, फिर फर्स्ट थर्ड लाइन को टच करते फिर ऊपर फर्स्ट लाइन में जाएगा, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाएगा, फिर सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में भी एक हाफ सर्किल बना के बी कंप्लीट होता है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना है और हमें बी को भी कंप्लीट करना है। तो बी भी यहाँ थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में जाएगा, फिर फर्स्ट लाइन से फिर थर्ड लाइन को टच करेगा, फिर थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन को टच करते हुए कर्व बनाता है यहाँ पे। तो ये था आपका बी, ये सी है, डी फर्स्ट लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन में आया, फिर थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में गया, फिर सेकेंड लाइन में टच किया और नीचे फर्स्ट थर्ड लाइन में आया, और फिर से यह फर्स्ट लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन में आकर कर्व बनाया। ये कैपिटल डी और स्मॉल डी कंप्लीट हो। इसी तरह ई सेकेंड लाइन से शुरू हुआ, थर्ड लाइन को टच किया, छोटा सा कर्व बनाया, फिर यहाँ सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में आया, फिर थर्ड लाइन को छूते हुए सेकेंड लाइन में छोटा सा कर्व बनाते हुए फिर स्मॉल ई को सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए कैपिटल ए से शुरू हुआ है, बाकी सारा स्मॉल ए है, ए बी सी डी ई, उसी तरह यहाँ पे फिर से करना है ए बी सी डी ई। बिना हाथ उठाए हमने कंप्लीट कर लिया, फिर से करेंगे ए बी सी डी ई। उसी तरह फिर से यहाँ बी से शुरू हुआ, बी सी डी ई ए। नया शब्द लिखेंगे बी सी डी ई ए, ठीक है। आप आगे कंप्लीट करेंगे, फिर से नीचे आया सी डी ई स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर से लिखेंगे
कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, फिर कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जब भी लिखेंगे देखिएगा जो जो लाइन को टच करता है आप उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल डी, फिर स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, आगे आप कंप्लीट करेंगे। कैपिटल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इसी तरह फिर से हम लिखेंगे नया से, कैपिटल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। आगे आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।